नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाअष्टमी पर भक्तों ने लगाई मां के दरबार में हाजिरी, दलिया चढ़ाने के लिए उमड़ी भीड़। एनसीसी निदेशालय का नौका अभियान, दल पहुंचा भागलपुर, कर्नल समेत कई अधिकारियों ने किया स्वागत। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, ड्रोन और कैमरे से हो रही शहर की निगरानी। डीआईजी और एसपी ने सामुदायिक भवन का किया शिलान्यास, 29 लाख की लागत से बनेगा भवन। और आरएसएस ने निकाला पथ संचलन शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। शारदीय नवरात्र को लेकर सभी दुर्गा मंदिरों में आज महाअष्टमी पर मां दुर्गा को खोइचा भरने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ी रही। नाथनगर के महाशय ड्योढ़ी दुर्गा मंदिर, बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर, तैलिक दुर्गा स्थान, स्वर्णकार दुर्गा स्थान पासीटोला, मोहनपुर दुर्गा स्थान, पखंड परिसर स्थित दुर्गा स्थान समेत कई दुर्गा मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गयी। सभी ने माँ की पूजा अर्चना कर खोइचा भरकर मन्नत मांगी। ऐसी मान्यता है कि जिसकी गोद सूनी रहती है, खोइचा भरने से माँ उसकी गोद भर देती है। वही आज महाअष्टमी पर माँ दुर्गा के आठवें स्वरूप महागौरी की पूजा की जा रही है। इस बीच मंदिर एवं पूजा पंडाल के आसपास का क्षेत्र माँ दुर्गा के जयकारे से गूंजमान रहा। मान्यता है कि अष्टमी पर ही असुरों के संहार के लिए माँ दुर्गे प्रकट हुई थी, इसलिए महाअष्टमी का खास महत्व है। इधर हर पूजा पंडालों और चौक चौराहे पर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के जवान भी मुस्तैद है। आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज यहाँ पूरे मोदी नगर में जहाँ बहुत सारे समाज से सारी महिलाएं आती हैं, दलिया चढ़ाती हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज मेरी दीदी का भी टीचर में सिलेक्शन हो गया है, इसलिए मैं बस दुर्गा जी से ही कामना करूंगी और भी जितनी भी विद्यार्थी हैं सबकी मनोकामना पूर्ण, और जितने भी श्रद्धालु बनाए हैं सबकी मनोकामना पूर्ण। अष्टमी का क्या कुछ खास है? अष्टमी का बस यही खास है कि डाला चढ़ाया जाता है और मनोकामनाएं मांगी जाती है और पूर्ण भी होती है। यह प्राचीन दुर्गा स्थान है, यहाँ सदियों से 450 वर्ष से जो है आज जो यह परंपरा देख रहे हैं गोदी भरने का, यह चलते हुए आ रहा है। आज हम लोग जो है माँ का पूजा और संध्या समय 56 प्रकार का भोग, भव्य आरती आयोजन किए हुए हैं। इधर भागलपुर के जगदीशपुर स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में रविवार को महाअष्टमी के मौके पर डलिया चढ़ाने के लिए महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं महिलाओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा कतारबद्ध तरीके से डलिया चढ़वाया गया। इसके साथ ही माता दुर्गा के दर्शन करने एवं पूजा अर्चना करने के लिए आम लोगों की भी भीड़ इकट्ठा हो गयी। बता दें कि यहाँ दुर्गा पूजा के मौके पर 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए आसपास के दर्जनों गांव सहित दूर दराज के लोग पहुंचते हैं। मेला की सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ आपदा मित्र के सदस्य अमित कुमार, तुलसी यादव, सुशील यादव सहित दर्जनों आपदा मित्र लगे हुए थे। एनसीसी निदेशालय बिहार झारखंड की ओर से चलाया गया 10 दिवसीय नौका अभियान, अपनी यात्रा करीब 250 किलोमीटर की दूरी तय कर 10वें दिन आज भागलपुर के गंगा तट स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज घाट पहुंचा, जहां फोर्थ बिहार बटालियन के सीओ कर्नल जीसी लोहानी के नेतृत्व में एनसीसी के ऑफिसर्स और कैडेटों ने नौका अभियान में शामिल सभी कैडेट का स्वागत किया। बताया गया कि इसके पूर्व टीम कई स्थानों पर लोगों के बीच विभिन्न सामान
सामाजिक मुद्दों को नुक्कड़ नाटक एवं संभाषण के माध्यम से जागरूकता फैलाते हुए अगले गंतव्य के लिए रवाना हुआ था। वही अधिकारियों ने बताया कि एनसीसी निदेशालय बिहार झारखंड के वन बिहार लेवल यूनिट एनसीसी पटना द्वारा नौका अभियान गंगा दर्शन की शुरुआत की गई है। 10 दिवसीय नौका अभियान की शुरुआत 13 अक्टूबर को पटना से की गई थी। इसके साथ ही 22 अक्टूबर यानी आज इस अभियान का समापन भागलपुर में हुआ। वन बिहार नवल यूनिट एनसीसी पटना के कमांडिंग ऑफिसर सन्नी कुमार गुप्ता ने बताया कि अभियान में बालक और बालिका मिलाकर कुल 60 कैडेट शामिल हैं। अभियान में शामिल कैडेट ने बताया कि नौका अभियान गंगा दर्शन अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों, नशा मुक्त भारत, दिनचर्या में स्वच्छता, गंगा बचाओ, प्लास्टिक मुक्त भारत, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, एनसीसी में शामिल होने सहित भारतीय नौसेना के शौर्य की जानकारी देना है। जानकारी दी गई कि 10 दिनों में यह अभियान खुसरोपुर, बाढ़, मोकामा, मटिहानी, मुंगेर, सुल्तानगंज पर पड़ाव करता हुआ आज सफलता के साथ भागलपुर पहुंचा। वहीं वन बिहार नेवल यूनिट एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर सन्नी कुमार गुप्ता के नेतृत्व में इस अभियान ने एक नया रूप ले लिया। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था एनसीसी के कैडेट्स के द्वारा अपने प्रशिक्षण को व्यवहारिक रूप से दिखाना, लोगों में जागरूकता लाना और उन्हें एनसीसी में भर्ती के लिए प्रेरित करना। उन्होंने बताया कि जोखिम भरा यह अभियान हर दिन एक चुनौती का सामना करता रहा। कैडेट्स ने अपने साहस के साथ इसे पूरा किया। वही सब लेफ्टिनेंट अर्चना त्रिपाठी ने बताया कि इस अभियान में बिहार और झारखंड के 35 SD और 25 SW ने भाग लिया। इसमें 13 नेवल इंस्ट्रक्टर सहित सिविल स्टाफ भी शामिल है। साथ ही कहा कि यह यात्रा वन बिहार नेवल यूनिट एनसीसी पटना के कमांडिंग ऑफिसर सन्नी कुमार गुप्ता एवं वन झारखंड नेवल यूनिट एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट शुभम कुमार अवस्थी के नेतृत्व में सफल रही। मौके पर 4 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जीसी लोहानी ने भी यात्रा में शामिल कैडेटों की प्रशंसा की। इस अवसर पर 4 बिहार बटालियन के SO मोहम्मद शहजाद अंजुम, 4 बिहार बटालियन के सम सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह, सूबेदार विनोद कुमार सिंह, सूबेदार हेमग्रूम, सूबेदार सुखदेव सिंह, बलजीत सिंह सहित कई रिटायर्ड फौजी और एनसीसी कैडेट मौजूद थे। वन बिहार नेवल यूनिट एनसीसी के द्वारा चलाया गया नौका अभियान जो 13 अक्टूबर को पटना से शुरू हुआ था, यह खुसरूपुर, बाढ़, औंटा, मटिहानी, मुंगेर, सुल्तानगंज होता हुआ आखिरी में आज भागलपुर पहुंचा है। इस दौरान कैडेट्सों ने लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय की और यह गंगा की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने एकता, अनुशासन के साथ साथ अपना साहस और धैर्य का परिचय दिया है और इन्होंने गंगा की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए यह अभियान को सफल बनाया। नेवी में जो भी जैसे कैडेट्स को नेवल एनसीसी में ट्रेनिंग देते हैं, बोट्स को पुलिंग और सीलिंग के माध्यम से चलाना, तो इन्हें जो भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया है इसका इन्होंने अभी प्रैक्टिकल दिखाया और इन्होंने इसको बखूबी निभाया है और अपना इन्होंने जो भी इन्होंने सीखा था उसके अनुसार 100% अभी दिया है और इस अभियान को सफल बनाया। तो सभी जगहों पर हमारे कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक और रैलियों के द्वारा जो भी भारत सरकार और बिहार सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जैसे नशा मुक्त समाज, गंगा बचाओ, स्वच्छ गंगा, इन सभी योजनाओं को लोगों के बीच लाया और उन्होंने उन्हें जागरूक बनाया और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की रैलियों और नुक्कड़ नाटक से लोगों में थोड़ी जागरूकता आई होगी और साथ ही वे अपने बच्चों को एनसीसी में भेजने के लिए प्रेरित होंगे। एनसीसी के जो कैडेट्स होते हैं उनमें एक अलग तरह का आत्मविश्वास और साहस होता है, वो आम बच्चों से थोड़ा हटकर होते हैं। तो इस जो अभियान हमारा नौका अभियान था, इससे एनसीसी के द्वारा लोगों को जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया गया ताकि वो उनमें वो आत्मविश्वास आए और वो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सके। हमारे युवा ही हमारे देश के का भविष्य हैं और अगर वो एनसीसी से जुड़ते हैं तो उनमें जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो देश को और बेहतर बनाने में उनका साथ देता है। जो हमारा नौका अभियान, जैसा कि हमारे अभी कमांडिंग ऑफिसर सनी कुमार गुप्ता ने बताया, उन्हीं बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहूँगी कि हमारी गंगा बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रही, तो हमारा एक उद्देश्य था कि हमारी गंगा बचे और फिर हम उनकी सुरक्षा भी सोचें। तो हमारी गंगा बची रहेंगी तब मैं उनकी पवित्रता की भी बात सोचूंगी। हमारे देश में अभी प्लास्टिक जो है वो कैंसर का रूप लेते जा रहा है, तो उसको भी हटाने के लिए हमारे कैडेट्स ने प्रेरित किया कि प्लास्टिक मुक्त भारत बने। नहीं, हमारी तरफ से यही मैसेज होगा कि जो वो एक्चुअली जो मैसेज देना चाह रहे हैं
उनके जो मैसेज हैं स्वच्छता और प्लास्टिक फ्री अभियान और गंगा की सफाई और नशा मुक्ति, ये जो उनके मैसेज हैं ये जन जन तक पहुंचे और हम जो हैं इस तरफ आगे इसको आगे बढ़ाएं। और जो इन्होंने पिछले 10 दिनों में तकरीबन 250 किलोमीटर गंगा परिक्रमा करी है वो बहुत ही अच्छा काम किया है, काबिले तारीफ है वो, और हम इसकी कमांडर सनी की हम इनके लिए तारीफ करते हैं। और जितने नेवल यूनिट के जितने छात्र आ रहे हैं, बाकी जो कैडेट्स आए हैं, इसके अलावा जो भी इसमें सहभागी हैं उनकी सभी की हम प्रोत्साहन करते हैं, उसके लिए हम सराहना करते हैं। और हमारा फोर बिहार बटालियन आज भागलपुर ग्रुप की तरफ से, एनसीटी डायरेक्टरेट की तरफ से यहाँ इनका स्वागत और अभिनंदन करता है। आज फोर बिहार बटालियन की तरफ से एनसीसी की जो नेवल यूनिट है वो फोर बिहार बटालियन के कर्नल जीसी लोहानी के नेतृत्व में उनका जो है यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। वो 250 किलोमीटर की दूरी तय करके भागलपुर तक पहुँच रहे हैं गंगा के रास्ते। भागलपुर में शांति एवं सौहार्द के साथ दुर्गा पूजा मनाने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर आज सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसको लेकर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान सड़कों और पूजा पंडालों के पास काफी भीड़ हो जाती है, जिसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने हर एक पंडाल और चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। साथ ही एसएसबी के जवान, शेरनी दल, एसआईटी के सभी दल समेत अन्य दलों के जवानों को बाहर से बुलाकर हर चौक चौराहों पर एवं पंडाल के पास प्रतिनियुक्त किया गया है। आज का यह फ्लैग मार्च पुलिस लाइन भागलपुर से निकलकर तिलका मांझी चौक होते हुए मनाली, आदमपुर, नाथनगर और फिर वापस पुलिस लाइन में संपन्न हुआ। इसके पूर्व सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने भागलपुर वासियों से शांतिपूर्वक एवं सौहार्द के साथ दशहरा पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भीड़ में जो भी उपद्रवी और असामाजिक तत्व है उनको चिन्हित करने के लिए हर पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शेरनी दल को भी तैनात कर दिया गया है, साथ ही टाइगर मोबाइल सीआईटी टीम भी प्रतिनियुक्त है। हर चौक चौराहा पर बल की तैनाती की गई है। सिटी डीएसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। ट्रिपल आईटी के माध्यम से शहर में लगाए गए 1800 कैमरे से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जानकारी दी गई कि शोभा यात्रा में हर बार की तरह डीजे पर पूर्णरूपेण पाबंदी रहेगी। दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु और शांतिपूर्ण यह त्योहार मनाई जाए, इसके लिए हमारे साथ सीआईटी की टीम है, एसएसपी के कंपनी आई है और दंगा है, बजरा टीम है, साथ में 5 डीएसपी भी आए हैं जिनको कलगांव थाना और सुल्तानगंज, कलगांव अनुमंडल, सुल्तानगंज अनुमंडल और शहर के, और जो महिला डीएसपी हैं उनको जो 7 डी सैन्य दल का एक क्वाटी बनाया गया है उनके बड़े प्रभार में रहेंगी। इन सभी टीम के माध्यम से आज पूरे शहरी क्षेत्र का फ्लैग मार्च भ्रमण किया जा रहा है और हमारा जनता से यही अपील रहेगा कि इस पूरे त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास और मूल भावनाओं के साथ मनाएं। इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसी गतिविधि एक्टिविटी नहीं करें जिससे कि हमारी महिलाओं को या जो भी श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह का कोई समस्या हो, क्योंकि चारों तरफ सीसीटीवी लगाई गई है, चारों तरफ निगरानी रखी जा रही है, सभी संवेदनशील स्थानों पर डीएसपी लाइन के माध्यम से बल की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और सभी स्थलों पे पूरे मुस्तैदी के साथ निगरानी रखी जा रही है। तो संवेदनशील स्थानों पे या धार्मिक स्थलों पे बल की तैनाती है, मजिस्ट्रेट की तैनाती है, सीसीटीवी लगाया गया है, वीडियोग्राफी भी हो रही है, महिला हमारी जो सैनिक दल लगी हुई है किवाटी लगातार मूवमेंट में है और अलग से हमारा क्विक रिस्पांस टीम भी है जो एसएसबी की टीम आई वो भी काम कर रही है। बिहार के रोहतास जिले में 29 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां शाहबाद क्षेत्र के डीआईजी कार्यालय एवं एसपी कार्यालय परिसर में सामुदायिक भवन निर्माण का शिलान्यास एवं भूमि पूजन डीआईजी नवीन चंद्र झा एवं एमएलसी अशोक कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से किया। बता दें कि सामुदायिक भवन का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र
क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत बिहार विधान परिषद सदस्य अशोक कुमार पांडे के अनुशंसा पर किया गया। सामुदायिक भवन में एक हॉल, एक कमरा और शौचालय की व्यवस्था रहेगी ताकि दोनों कार्यालय में आने वाले लोगों को परेशानी न हो। इसको लेकर MLC ने बताया कि सामुदायिक भवन परिसर में बनने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। मौके पर पुलिस पदाधिकारी के अलावे विधायक प्रतिनिधि एवं काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिल्कुल, आज आप सभी यहाँ पे इकट्ठा हैं। आज हम लोगों ने आगंतुक कक्ष का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो आगंतुक आते हैं डेहरी पुलिस कार्यालय में, उनके लिए पर्याप्त जो अपेक्षित जगह जो है, हम लोग अभी सेट में बैठे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जो है माननीय विधान पार्षद अशोक पांडे जी की अनुशंसा पे इसकी स्वीकृति मिली है और आज हम लोग इसका शिलान्यास किए हैं। इसके बन जाने से आम जनता जो खासकर दूर दराज से गाँव से आते हैं, महिलाएँ होती हैं, कभी बच्चे के साथ आती हैं, वृद्ध नागरिक होते हैं, कई बार बीमार लोग होते हैं, एकीकृत उनको सुविधा एक जगह पर मिल जाएगी, जहाँ पर पीने की पानी, शौचालय और मतलब गेस्ट रूम या मतलब कहा जाए उसको विजिटर रूम, सभी जगह साथ में होगा। तो इस मौके पे आज हम लोग हैं और इसके लिए हम जो है आप सभी का यहाँ स्वागत करें। सबसे पहले मैं बिहार वासियों को नवरात्रि की शुभकामना देता हूँ और मैं यहाँ जनता की समस्या को लेकर DIG साहब और SP साहब से मिले। मैंने देखा कि बहुत जनता की पीड़ा है, जनप्रतिनिधि भी हैं आप, मीडिया कर्मी लोगों को भी दिक्कत है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसीलिए बनाया है कि आप जहां भी किसी प्रकार की दिक्कत हो अपना मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना देख कर दीजिए, जहां की जनता और जनहित में लाभ हो, यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उसी राह पर हम लोग चल रहे हैं और भविष्य में हम आप लोगों के साथ हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भागलपुर इकाई द्वारा विजयादशमी के उपलक्ष पर पद संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम गुरहट्टा रोड सिकंदरपुर में आयोजित की गई। वहीं स्वयं सेवकों ने शहर में पथ संचलन शोभा यात्रा निकालकर पूरे शहर का भ्रमण किया। उसके बाद शीतला स्थान चौक के समीप बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जानकारी नगर प्रचार प्रमुख भागलपुर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आशीष आनंद ने दी। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार समेत सैकड़ों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने काली पूजा महासमिति के पूर्व अध्यक्ष धूरी यादव और नाथनगर के सिल्क व्यापारी मोहम्मद अफजाल हत्याकांड में फरार 2 शातिर शूटरों को पश्चिम बंगाल के बोलपुर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शूटरों में तातारपुर का मोहम्मद आदिल और विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का मिखाइल शामिल है। वही दोनों की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हबीबपुर से रंजीत ताती और मुजाहिदपुर से मोहम्मद मेराज आलम को भी गिरफ्तार कर लिया है। मामले पर भागलपुर के सिटी SP अमित रंजन और सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आदिल एवं मिखाई
पेशेवर शूटर है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के निर्देश पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई थी। आदिल पर आरोप है कि उसने पैसे लेकर बीते वर्ष 2022 के सितंबर माह में नाथनगर के सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजाल की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस पर हत्या, आर्म्स एक्ट, रंगदारी और विस्फोटक मामले में तातारपुर, नाथनगर और ललमटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज है, जबकि मिखाइल पर वर्ष 2019 में धुरी यादव की हत्या करने का आरोप है। इस हत्याकांड में 17 आरोपियों में सिर्फ यही अपराधी फरार चल रहा था। पुलिस लगातार ऐसे कुख्यात अपराधियों का के ऊपर निगरानी रखती है और छापेमारी करती रहती है जो विभिन्न कांडों में वांछित है। इसी क्रम में भागलपुर का चर्चित धुरी यादव हत्याकांड एवं सिल्क व्यापारी अफजल हत्याकांड जो नाथनगर थाना में हुआ था और ततारपुर में हाल ही में टिंकू अंसारी के मोबाइल मार्बल दुकान पे गोलीबारी का कांड हुआ था, इसमें अभियुक्तों के बारे में जानकारी मिली। एसएसपी सर द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक नगर कर रहे थे। उक्त टीम जो पश्चिम बंगाल गई, पश्चिम बंगाल के बोलपुर से मोहम्मद आदिल और मोहम्मद मिखाइल इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों कुख्यात शूटर हैं और इन दोनों के ऊपर ये धुरी यादव हत्याकांड और टिंकू अंसारी के ऊपर जो मार्बल दुकान पर गोलीबारी हुई थी और सिल्क व्यापारी अफजल हत्याकांड में इन दोनों का नाम है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाअष्टमी पर भक्तों ने लगाई माँ के दरबार में हाजिरी, दलिया चढ़ाने के लिए उमड़ी भीड़। एनसीसी निदेशालय का नौका अभियान, दल पहुंचा भागलपुर, कर्नल समेत कई अधिकारियों ने किया स्वागत। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, ड्रोन और कैमरे से हो रही शहर की निगरानी। डीआईजी और एसपी ने सामुदायिक भवन का किया शिलान्यास, 29 लाख की लागत से बनेगा भवन। और आरएसएस ने निकाला पथ संचलन शोभा यात्रा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।